ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो ये पांच काम आपको अवश्य करने चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का विषय है कि अगर दीपक में फूल बनता है तो हमें पांच काम अवश्य करने चाहिए। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने हमसे काफ़ी सवाल किए थे कि अगर दीपक में फूल बन जाए तो हम ऐसा क्या करें जिनसे हमारे जीवन में बदलाव हो, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दीपक में जिनके फूल तो बनता है लेकिन उनके जीवन में फिर भी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो हो सकता है वो कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ रहे हों पूजा करने में, या हो सकता है कि उनसे कोई चीज़ ऐसी हो जो ना हो पा रही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके कुछ ग्रह दशा भी खराब चल रही होती है जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां रहती हैं, पर कुछ उपायों के जरिए हम उन ग्रह दशा को ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो ऐसे पांच काम क्या हैं जो हमें अपने जीवन में करने चाहिए अगर हमारे दीपक में फूल बनता है? तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको ध्यान लगाना चाहिए। अब आप कहेंगे ध्यान कैसे लगाएं? तो ध्यान लगाने के लिए जैसे आप मंदिर में दीपक जलाते हैं वैसे ही एक दीपक और जलाइए, उत्तर की तरफ मुँह करिए और एक आसन, कंबल का आसन ले लीजिए, ऊनी आसन ले लीजिए, उस आसन पर बैठिए और उत्तर की तरफ मुँह करके उस दिए पे ध्यान लगाइए। अगर आप आँख बंद करके ध्यान लगाते हैं तो आपको दोनों आँखों के बीच में जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहाँ पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है। शुरू में ये थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन जैसे ही आप इसका अभ्यास करेंगे आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। अगर आप ध्यान लगाते हैं साथ साथ आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या आप अगर भोलेनाथ के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं या कोई दूसरा मंत्र बोल सकते हैं। अगर आप आँख बंद करके ध्यान नहीं लगाते हैं तो आप दिए को देखते हुए भी ध्यान लगा सकते हैं और मन में भगवान को याद कर सकते हैं। तो आपको ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। ध्यान एक ऐसी दशा होती है जिसमें आप भगवान से सीधे जुड़ जाते हैं। अगर आप ध्यान लगाना सीख गए तो आप ये सोचिएगा कि आप भगवान से इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करेंगे। ये एक तरह से भगवान से कम्युनिकेशन करने का रास्ता होता है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है कि आप मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप कैसे करना? जैसे मान लीजिए आपके इष्ट देव विष्णु भगवान हैं तो आप उनके मंत्रों का जाप करिए। मंत्रों का जाप एक दो बार नहीं करना है, मंत्रों का जाप आपको कम से कम 108 बार करना है। आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और उस माला से 108 बार आपको मंत्र का जाप करना। उसमें 108 मन के होते हैं तो आप एक माला करेंगे तो 108 बार हो जाएगा। विष्णु भगवान के मंत्र हैं जैसे ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से जो भी आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनका जाप अवश्य करिए। जैसे माँ लक्ष्मी हो गई, माँ लक्ष्मी के मंत्रों को आप जाप कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, माँ लक्ष्मी की माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। जैसे आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करते हैं तो आप ये विश्वास रखिएगा कि आपको आपके जीवन में संकटों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसी तरह से अगर आप गणेश जी के भक्त हैं तो ओम गण गणपते नमः कर लीजिए, या वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरुमेव देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस तरह से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप माँ के भक्त हैं तो आप सबसे बड़ा मंत्र जो होता है महामंत्र नवाड़ मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इसका हर रोज़ आप 108 बार जाप करिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस मंत्र में बहुत शक्ति होती है और इसके हर अक्षर में शक्ति और ग्रहों से सीधा संबंध होता है। नवाड़ मंत्र जो होता है उसमें तीन देवताओं का ध्यान होता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन देवियां होती हैं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। इसी तरह से अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान अष्टक का पाठ करिए और हनुमान जी की आरती करिए। तो हनुमान जी के जो मंत्र होते हैं, अगर कोई आप मंत्र भी जाप करते हैं तो उन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा कार्य क्या है? तीसरा कार्य यह है कि जैसे आपके घर में थोड़ी सी पैसों की समस्याएं चल रही हैं, जिनके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उनको ये तीसरा कार्य अवश्य करना चाहिए। उनको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को 5 तरह की मिठाई
या पांच तरह के फल या पांच तरह की मेवा अवश्य भोग के रूप में देनी चाहिए। शाम के समय अगर आप पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको भोग लगाइए, उनकी आरती कहिए। पांच तरह की मिठाई का मतलब आप एक एक पीस भी मिठाई को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक किलो मिठाई पाँच तरह की लेके आनी, ऐसा नहीं है। पाँच तरह के फल हैं तो आप एक एक तरह के, कोई भी एक एक फल पाँच तरह के दे सकते हैं, या फिर आप पंच मेवा दे दें, कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह से आप उनको ये भोग अवश्य लगाइए। आप देखिएगा आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का समाधान इस उपाय से अवश्य हो जाएगा। इसी तरह से चौथा उपाय जो है वो है, आप घर में आपके सुबह जो रोटी बनती है तो उसमें सबसे जो पहली रोटी कच्ची रोटी तवे की होती है वो आप गाय को अवश्य खिलाएं। अगर आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव स्वयं ही हो जाएगा। इसी तरह से पांचवा कार्य क्या है? पांचवा कार्य यह है, वैसे तो सभी के यहाँ ऐसा होता ही होगा, लेकिन फिर भी जिनके यहाँ नहीं है उन्हें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक भी जलाएं, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वो भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद है, और भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के प्रिय हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस तरह से भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कैसी कृपा प्राप्त हो सकती है। माँ लक्ष्मी से बहुत प्रसन्न होती हैं, तो आप तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाइएगा। तो ये पाँच कार्य थे या पाँच उपाय समझ लीजिए, इनको आप अपने जीवन में अवश्य करिए। आपके दीपक में फूल बनता है तो भी करिए, अगर आपके दीपक में फूल नहीं बनता है तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आपकी पूजा, आपकी श्रद्धा भी अच्छी है, भगवान आपकी बात सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको संकेत नहीं दे रहे हैं तो आपकी बात नहीं सुनते हैं। आप उनकी उपासना करिए, आप उनकी पूजा करिए और मन से पूजा करिए, कहीं कोई कमी मत छोड़िए। बहुत जल्दी ही आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाएगा और आप उन भक्तों में आ जाएंगे। आपका स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि भगवान आपको स्वयं संकेत देंगे आपकी पूजा के फल का। तो आप इन उपायों को अवश्य करिएगा, चाहे आपके दीपक में फूल बनता हो या आपके दीपक में फूल ना बनता हो। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पाँच उपाय या पाँच कार्य आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि आपको जानकारी कैसी लगी। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, या आप अपने इष्ट देव का नाम भी लिखिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।